लाइव भी करते हैं। निबानिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हमें दावत दी गई थी। यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। रहमानिया फाउंडेशन और निबानिया नर्सिंग इंस्टीट्यूट 2 साल से बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छा माहौल और अच्छी पढ़ाई हो रही है। हमें बहुत फ़ख्र है कि हम इस इंस्टीट्यूट से, मैं और फिरोज भाई पहले से जुड़े थे, अभी भी हैं और आगे भी साथ में रहेंगे। और इनको दुआ करते हैं इनके लिए कि ये इंस्टीट्यूट को लेके आगे बढ़ते जाए और हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हम इनके साथ में हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे बाकी एजुकेशन के काम हो। रहमान है फाउंडेशन हमेशा आगे है और मैं बहुत खुश हूँ इसके वजह से। और हनीफ भाई तो स्पेशली हमारे साथ में कोविड में भी काम किए हैं और दिन रात खिदमत करते रहते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के लाइट चलिए इन्होंने की है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो इसका ये कहूँगा कि हनीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत शॉर्टेज है नर्सेस का और इतने सारे जो स्टूडेंट्स आ गए हैं इधर सीखने के लिए, नर्स बनने के लिए, मुझे तो देख के हैरानी हो रही है। क्योंकि हर हॉस्पिटल में जाओ नर्सेस का शॉर्टेज है ही, और इतने अगर निकलेंगे हर साल तो इंशाल्लाह कभी हॉस्पिटलों को शॉर्टेज नर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो मैं हनीफ भाई से भी बात कर रहा था इसके पहले कि लास्ट बैच में उनके पास 45 स्टूडेंट्स थे और अभी अराउंड 60 स्टूडेंट्स हैं, तो एक प्रोग्रेशन दिखने मिल रहा है सोसाइटी में और हमारे हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं, हमारे खुद के फैमिलीज़ में जो हमारी बेटियों को पढ़ाने का एक जज्बा है वो आगे बढ़ते आ रहा है। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी, जब हमारी बहनें पढ़ेंगी, तभी हमारी फैमिलीज़ आगे बढ़ पाएंगी, तभी हमारी सोसाइटीज़ आगे बढ़ पाएंगी। दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा था कि एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं नर्सेस एक हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या जब पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं और डॉक्टर्स की शॉर्टेज होती है, तब नर्सेज ख्याल रखते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही पूरा मन लगा के पढ़ाई करें और इंशाल्लाह सिर्फ अपना और अपने फैमिलीज़ का नहीं बल्कि हमारी कौम का भी नाम ऐसे ही रोशन करें। जज़ाकअल्लाह। पहली बात तो क्योंकि इदारा हज़रत खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब के ज़ेर निगरानी है, उन्हीं के फ़िक्रों को आगे लेके जाने की कोशिश है। ये जो यहाँ पे मेहनत हो रही है, क्योंकि हमारे पास मुकामी तौर पे और हज़रत भी उनकी बहुत एहतराम करते हैं डॉक्टर सौदागर साहब के, हम लोग उनको एक एज ए गॉड फादर के जैसा पूरा इंस्टीट्यूट उनको मानता है, और वो रहने की वजह से हमारे अंदर एक बहुत हिम्मत, जज्बा और एक लगन रहती है कि जब वो कर रहे हैं 80 साल की उम्र से ज़्यादा तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और बस कोशिश रहमान फाउंडेशन की ये है कि जो भी सेक्टर हो, चाहे मेडिकल है, एजुकेशन है, विडो पेंशन्स है, ओल्ड एज है, रिलीफ है, कोविड के दौरान है, फ्लड के दौरान है, हमारे क्लिनिक्स चल रहे हैं माशाल्लाह, ऑलमोस्ट 4000 पेशेंट्स हर माह फ़ायदा उठा रहे हैं जो 10 रुपये में कंसल्टेशन, मेडिसिन और इंजेक्शन के लिए, तो और ये जो स्लम बेल्ट है एक अराउंड 25,000 का बेल्ट अमन नगर के अंदर, ऐसे तो हमारी कोशिश यही है कि हर लाइन से इंसानियत के खिदमत हमारे से होती रहे, अल्लाह हमसे राज़ी रहे और हमारे बड़े हमारे साथ में हैं, जैसे फिरोज सेठ साहब माशाल्लाह जब वो MLA थे पूरे 10 साल बहुत इससे ही करते हैं, अब किसी वजह से आज नहीं आ पाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक प्रोग्राम है उसमें ज़रूर रिक्वेस्ट करके उनको बुलाएंगे। और फिर मौजूदा MLA राजू सेठ साहब, मैं तो उनको एक बहुत मिसाली और एक डायनेमिक लीडर मानता हूं, क्योंकि कोविड में मैं उनके साथ में रहा हूं, जब सब अपने अपने घरों में थे तो रात में कभी मैं 1 बजे 2 बजे फ़ोन करता था तो फ़ोन उठाते थे जो भी हमको परेशानी आती थी। और साथ में हमारे कौम के जो माशाल्लाह एक डॉक्टर अनवर मुजावर साहब जो KLE के अंदर MD, डबल MD है, जो हमारी तो कोशिश और मेहनत ये रहेगी कि
पूरा इलाका, पूरा ज़िला डॉक्टर साहब को पहचाने और उनकी खिदमत को उन खिदमत उनसे ले, और माशाल्लाह पूरे केले और पूरे अदर कम्युनिटीज़ उनको जानते हैं, उनकी खिदमत को कबूल कर रहे हैं। तो हमारे कम्युनिटी भी हम चाह रहे हैं कि इतने बड़े डॉक्टर जब केले में, तो उनसे फ़ायदा उठाया जाए। और ये जो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी खिदमत है, क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे गए हैं। और एक टीम वर्क है जो हमारी टीम है नुमानी के और रहमान फाउंडेशन की, कोशिश यही कर रहे हैं। और ये जो नर्सिंग का जो हमारा है कि बच्चियाँ फूल के मानी होती है, आज का जो माहौल बाहर है, हम चाह रहे हैं कि इनको एक ऐसे माहौल, सिक्योर माहौल दे और इनको ऐसी तालीम दे। डॉक्टर्स इनके क्लासेस ले रहे हैं, और माशाल्लाह जैसे गंगा मैडम है, सुरेखा मैडम है, जो ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स एक्सपीरियंस है उनका, उनके ज़रिए से भी जो उनको टीचिंग दे रहे हैं, ताकि ये बच्चियाँ आगे जाके कौम और मिल्लत और सोसाइटी के लिए एक एसेट बने। और जब अल्लाह ना करे कभी भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आ जाए, कोई भी ऐसा वक्त आ जाए कि ये बच्चियाँ हमारे खड़े हो जाए, हमारे इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए जो एक प्यारा वतन है, तो एक कोशिश हो रही है। और बस हमारी एक अपील है कि आप लोग दुआ करते रहे और हमारी हिम्मत उससे बढ़ती रहेगी। जज़ाकल्लाह। जो अहम शख्सियात हैं जो डाइट पर आज मौजूद हैं, उनका नोमानी हॉस्पिटल और हेल्थ नर्सिंग इंस्टीट्यूट की जानी से उनका खैर मुकदम करता हूं, उनको वेलकम करता हूं।
असेंबली दिस असेंबली टू पास माय लाइफ टू पास माय लाइफ आई विल अब्स्टेन फ्रॉम आई विल अब्स्टेन फ्रॉम व्हाटएवर इज डेलिटेरियस व्हाटएवर इज डेलिटेरियस हां अब पूरे यकीन के साथ yes, की बात है तो मैं आपसे खुदा से दुआ करता हूं कि खुदा की वो तौफीक दे